हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू सुपर गेमिंग ट्यूटोरियल्स। एंड आज का वीडियो होने वाला है सेबर स्कोप इफेक्ट के ऊपर। सो विदाउट एनी फर्दर डू, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले काइंड मास्टर ओपन कर लेना है, देन 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। देन आपको जो क्लिप पर सेबर इफेक्ट चाहिए उसे इम्पोर्ट कर लेना है। क्लिप को इम्पोर्ट करने के बाद आपको आपके क्लिप पर उस पॉइंट पर आना है जहां पे आपके गन से फ्लेयर निकल रही है। एंड जब वो पॉइंट पर आओगे उससे एक फ्रेम पीछे आपको आना है। सो मेरे लिए ये वाला सेक्शन है और यहीं पे आपका टाइमलाइन रख कर इसे स्प्लिट एंड प्लेहेड करना है। देन ब्लैंक एरिया पे क्लिक करके आपको कैप्चर एंड ऐड एस क्लिप पे क्लिक कर लेना है। ये करने के बाद आपको जो दो प्लस आइकन आते हैं, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप एग्जैक्टली उस दोनों क्लिप के सेंटर पर आ जाते हो। तो हमें बस उस प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड राइट साइड पे जो ट्रांजिशन ऑप्शन आता है उसे कैंसिल कर लेना है। नेक्स्ट आपको उस पॉइंट पर आके आपका जो सेबर इफेक्ट वाला मीडिया है उसे इंपोर्ट कर लेना है। अब मैंने जो मीडिया इंपोर्ट किया है वो मेरे ही GFX पैक वाला एक PNG इमेज है जिसका नाम है, ये आपको फ्लेयर वाले फोल्डर के अंदर मिलेगा एंड इसका नंबर है 5। सो उस फ्लेयर को इंपोर्ट करने के बाद आपको स्कोप के साइज के हिसाब से रिसाइज कर लेना है। अब रिसाइज करने के बाद आपका जो कैप्चर्ड क्लिप है उसे क्लिक करके उसे डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना है एंड उसे अप्रोक्सीमेटली स्क्रीन के एच के साथ मैच कर लेना है। इसके बाद आपको राइट साइड पे क्रॉप ऑप्शन पे जाके मास्क एनेबल करना है एंड मास्क के अंदर जाके आपको सर्कल वाला मास्क सिलेक्ट करना है। देन आपका जो मास्क सेक्शन है उसे आपको आपके स्कोप के इनसाइड वाले सर्कल के साथ मैच करना है। तो जहां पे आपको सेबर इफेक्ट दिखने लगेगा बस वहीं तक आपको मास्क रखना है। अब ये होने के बाद हम इसे अब एक की फ्रेम देंगे, एक एनिमेशन देंगे। क्लिप के स्टार्ट पर आकर एक की फ्रेम दे देंगे, देन क्लिप के सेंटर पर आकर एक और की फ्रेम देंगे एंड इसे सर्कल एनिमेशन एंड जूम आउट वाला एनिमेशन देंगे। क्लिप के एंड पर आकर वही सेम इफेक्ट हम रिवर्स में देंगे। अब ये होने के बाद हम हमारा जो सेबर इफेक्ट वाला क्लिप है उसे क्लिक करेंगे एंड उसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे पहले। उसके बाद सेम एनिमेशन जो हमने हमारे प्रीवियस वाले क्लिप पे दिया था वैसे ही सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी फॉलो करना है। ये हमारा एनिमेशन कम्प्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वापिस से क्लिप के हम स्टार्ट पर आएंगे एंड यहाँ पे हम एक फोकल ब्लर 2.0 ऐड कर लेंगे। ये आपको इजिली काइंड मास्टर के स्टोर पर मिल जाएगा। अब फोकल ब्लर को भी हम फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसके सेटिंग्स के अंदर जाकर इसे हम हमारा जो स्कोप का जो इनर सर्कल सेक्शन है उसके साथ मैच कर लेंगे। तो मैंने जो सेटिंग रखा था मेरे क्लिप के हिसाब से, स्ट्रेंथ मैंने 4 पे रखा था, फेदर 5 पे रखा था और रेडियस 22 पे रखा था, बट आपके क्लिप के हिसाब से वेरी कर सकता है। ये करने के बाद आपको अगेन क्लिप के स्टार्ट पर जहाँ पे हो वहीं पे रहना है एंड मीडिया पर जाकर एक ब्लैक सॉलिड लेयर लेना है एंड इसे रिसाइज कर लेना है आपका जो स्कोप का जो इनर सर्कल है उसके साइज के हिसाब से। देन उसके बाद आपको क्रॉप सेक्शन में जाना है, मास्क ऑन करना है, शेप पर जाकर सर्कल वाला शेप सिलेक्ट करना है एंड इसे आपके इनर सर्कल जो स्कोप का है उसके साथ मैच कर लेना है। अब ये मैच करने के बाद इसे ओके कर लेना है एंड आपके ब्लैक सॉलिड लेयर पर क्लिक करके हमें इसे सेंड टू बैक करना है। सो मैंने यहाँ पे सेंड टू बैक एक बार किया, नहीं हुआ, दो बार एंड 3 बार। सो मुझे जो सेंड टू बैक करना पड़ा है वो 3 बार करना पड़ा है एंड वो ब्लैक लेयर लेना जरूरी है क्योंकि जब आप एनिमेशन देते हो जूम इन जूम आउट का, आपने जो कैप्चर किया था क्लिप को, जब वो जूम इन जूम आउट होगा आपके पीछे एक और लेयर दिखेगा जो आपका ओरिजिनल क्लिप लेयर है, तो उसे हाइड करने के लिए हमने ये ब्लैक लेयर लिया हुआ है। एंड आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका ब्लैक लेयर जो है अगर सर्कल के बाहर जा रहा है स्कोप के, तो उसे रिसाइज करके आप प्रॉपरली सेट कर सकते हो। एंड ये स्टेप करने के बाद आपका क्लिप रेडी है। एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं कि क्लिप कैसे लग रहा है। एंड दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने इस सेबर इफेक्ट के लिए एक PNG इमेज यूज किया था, बट आप लोग कोई भी सेबर इफेक्ट का सर्कल जो रहता है एनिमेशन वाला वो भी यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो सेबर इफेक्ट वाला एनिमेशन पैक चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बता देना, मैं आप लोगों के लिए वो पैक जरूर लेके आ जाऊंगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड सिंपल लगा होगा। अगर आप नए हो तो यार प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।